बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हिदायत पाने वालों में शामिल फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज जिस सूरत की फजीलत और फ़वाद में लेकर आई हूँ वो सूरतुल दहर है। सूरतुल दहर पढ़ने के बेशुमार फ़वाद हैं, उनमें से चंद मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी वजह से किसी और का मसला भी हल हो सके, कोई और भी कुरान पाक में से रहनुमाई हासिल कर सके, अपने मसले मसाइल का हल तलाश करने के लिए, मुश्किलात को दूर करने के लिए और कुरान से हिदायत पा सके। इसी के साथ अब मैं आपको सूरह दहर के फ़वाद बताऊंगी कि सूरह दहर पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। सूरह दहर पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बवासीर की बीमारी में सूरह दहर का बेहद अक्सर का दर्जा रखती है। आपने क्या करना है, रोज़ किसी भी नमाज के बाद बावजू हालत में 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर और वो पानी मरीज़ को पिला देना है। अगर मरीज़ ख़ुद पढ़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, 11 मरतबा सूरह दहर पढ़ के पानी पर दम करके और वो पानी मरीज़ ख़ुद पी ले तो इंशाअल्लाह ताला शफा होगी। इसके अलावा अगर कोई औरत चाहती है कि वो अपने घर में खुश और आबाद रहे, उसने क्या करना है कि 11 रोज़ तक रोज़ 11 मरतबा सूरह दहर पढ़कर और पानी पर दम करते रहना है। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पानी पर दम करने के बाद वो पानी अपने शौहर को पिला देना है। इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी खुश और आबाद रहेगी अपने घर में। इसके अलावा जो सूरह दहर का तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा खून आने की सूरत में क्या करना है, कोई भी घर में माँ या बहन कोई भी ये सूरत 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके और 5 दिन ये पिलाना है पानी, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। अपनी मुश्किलात का हल कुरान पाक में से तलाश किया करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को कुरान पाक की तरफ लेकर आना है, आप लोगों का रिश्ता कुरान पाक से जोड़ना है। इसलिए कोशिश किया करें कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई दूसरा भी कुरान पाक के साथ जुड़ सके और अपनी मुश्किल और परेशानियों का हल कुरान पाक में से तलाश करे। मैं वीडियो का इख्तिताम करूंगी, अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।